थैंक यू सुभान, थैंक यू सो मच कि तुम मुझे यहाँ ले आए। अगर मैं थोड़ी देर और घर पे रहती ना तो घबराहट के मारे मेरी जान ही निकल जाती सुभान। वो इबादत धनी उस पे कैसा शैतान हावी हो गया, वो मेरे साथ कुछ भी कर बैठेगी सुभान, वो मेरी जान ले लेगी। सुभान सुभान, अब हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे, हम लोग यहीं रहेंगे, हम घर नहीं जाएंगे और एक दूसरे से खूब प्यार करते रहेंगे। I love you सुभान, I love you so much। मैं भी आया। सुभान क्यों इतना शर्मा रहे हो सुभान, यहाँ हम दोनों के अलावा और कोई नहीं है, सिर्फ तुम और मैं। मंदस स्टॉप इट। कितनी बार तुमसे कहूंगा, कितनी बार समझाना पड़ेगा, हम दोनों का निकाह नहीं हुआ है, ये सब मजहब के खिलाफ है, तहजीब के खिलाफ है। मैं तुम्हें मिल सकता हूँ लेकिन अभी तुम्हें छू नहीं सकता, ना ही तुम मुझे छू सकती हो। मैं लीगली अभी भी इबादत का शौहर हूँ, प्लीज मुझे मेरी नजर में मत गिराओ मन्नत, प्लीज। कैसी बातें कर रहे हो तुम सुभान, सुभान हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक कमरे में रहने का फायदा है क्या जब हम एक दूसरे के करीब नहीं आ सकते तो? लेकिन तुमसे किसने कहा कि हम एक कमरे में रहने वाले हैं? What? हम यहाँ इसलिए आए ताकि इबादत से दूर रह सके, लेकिन मैं अपनी बाउंड्रीज कभी क्रॉस नहीं करूंगा। मैंने यहाँ एक नहीं दो रूम्स बुक किए, हम अलग अलग रहेंगे। सुभान तुम मजाक कर रहे हो ना? ये मजाक का वक्त नहीं है मन्ना। सुभान ये क्या कह रहे हो तुम? तुम मुझे यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकते हो, और यहाँ लेकर ही क्यों आए हो जब अलग अलग रहना था तो? सुभान देखो तुम अच्छे तरीके से जानते हो कि मुझे अकेले रहने में कितना डर लगता है, प्लीज प्लीज मुझे ऐसा अकेला मत छोड़ो, हम एक दूसरे के करीब नहीं आएंगे, प्रॉमिस। मन्नत मन्नत मत छोड़। इबादत नहीं है, मैंने खाना ऑर्डर किया था, खाने वाला होगा, होटल स्टाफ होगा। यस सुभान सिद्दीकी। यस आपको यहाँ किसने बुलाया? मैंने बुलाया।